इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्पाइस मनी एप्लीकेशन में आधार कार्ड के थ्रू पैसे कैसे विड्रॉ किए जाते हैं। इसके लिए आपके पास एक स्पाइस मनी अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास स्पाइस मनी अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। 31 मार्च तक आपको स्पाइस मनी आईडी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की, चाहे आप मोर्फो ले सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है मोर्फो, और अगर आप चाहें तो मंत्रा डिवाइस भी ले सकते हैं, ये है मंत्रा डिवाइस। इन दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अमेजोन से बाई कर सकते हैं। जो फिंगरप्रिंट डिवाइस आप यूज करना चाहते हैं उसकी आरडी सर्विस आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि मैं मंत्रा डिवाइस यूज करूंगा तो मैं मंत्रा आरडी सर्विस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूं। इस एप्लीकेशन के बिना आप आधार कार्ड से विड्रॉ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेट अवेलेबल है, मैनेजमेंट सर्वर भी रीचेबल है, लेकिन डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे। इस तरह का आपको एक कनेक्टर भी ले लेना है, वैसे ये मंत्रा डिवाइस के साथ आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस कनेक्टर के थ्रू इसको मोबाइल फोन से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही ये परमिशन मांगेगा, आप ओके करेंगे और आप देख सकते हैं डिवाइस भी कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर पहले हम डिवाइस का एक टेस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए आप कैप्चर टेस्ट पर क्लिक करेंगे, डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, उस पर आप फिंगर रखेंगे और आप देख सकते हैं कैप्चर सक्सेस। आधार कार्ड के थ्रू आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम फंड विड्रॉ करेंगे, जिसके लिए एप्स विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको डिवाइस चूज कर लेनी है, कौन सी डिवाइस आप यूज करने वाले हैं कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेने के लिए। तो मैं मंत्रा यूज करूंगा तो मैं मंत्रा चूज कर लेता हूं। आपके सामने कमीशन प्लान्स आ जाएंगे, आप इसमें से प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी कोई भी एक एक्टिवेट कर सकते हैं। सभी में आप देख सकते हैं कितने पैसे विड्रॉ करने पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। जैसे कि प्लान बी में आप देख सकते हैं 3000 से 3499 रुपए तक निकालने पर आपको 10 रुपए का कमीशन मिलेगा। तो मैं प्लान बी एक्टिवेट कर लेता हूं, जिसके लिए एक्टिवेट प्लान पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड, और देखिए न्यू कमीशन प्लान एक्टिवेट हो चुका है। बाद में कभी भी ये कमीशन प्लान देखने के लिए आप ऊपर कमीशन प्लान्स पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये प्लान्स आ जाएंगे। आप देख पाएंगे कि आपने कौन सा प्लान एक्टिवेट किया हुआ है और यहीं से आप कोई दूसरा प्लान भी एक्टिवेट कर सकते हैं। स्पाइस मनी में आपको सभी बैंक्स मिल जाएंगे। आधार कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉ करने के लिए आप व्यू ऑल बैंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लगभग सभी बैंक्स आ जाएंगे। अगर आप कोई और ऐप सर्विस यूज करते हैं तो उसमें कम बैंक्स होते हैं, लेकिन स्पाइस मनी में आपको सबसे ज्यादा बैंक्स मिलेंगे आधार कार्ड के थ्रू पैसे निकालने के लिए। तो आप यहां बैंक चूज करेंगे कस्टमर का, जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेता हूं। इसके बाद आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर यहां पर डाल देना है और यहां पर आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मेरे पास ये क्वेश्चन कई बार आया है कि क्या यहां पर वही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो इस बैंक अकाउंट से लिंक है, तो ऐसा नहीं है। आप यहां पर कस्टमर का कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये जस्ट रिकॉर्ड के लिए है। इसके बाद नीचे आप अमाउंट डालेंगे, कितना आपको विड्रॉ करना है और टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद स्कैन टू विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने समरी आ जाएगी, हम 500 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं। कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, आपको कस्टमर की फिंगर इस पर रखवानी होगी, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 500 रुपीज विड्रॉ हो चुके हैं और साथ ही यहां पर कस्टमर का बाकी बैलेंस भी शो होगा कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है। आप यहां प्रिंट पर क्लिक करके ये स्लिप प्रिंट कर सकते हैं और साथ ही आपने कस्टमर का जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर भी ये स्लिप व्हाट्सएप हो जाती है। कस्टमर के बैंक अकाउंट से जो बैलेंस कट होता है वो आपके स्पाइस मनी वॉलेट में आ जाता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 500 रुपीस ऐड हो चुके हैं। इसके बाद आप कस्टमर को अपने पास से कैश देंगे और अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराने के लिए तो आप यही स्पाइस मनी अमाउंट से उसके बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस इंक्वायरी। कोई कस्टमर आपके पास आता है बैलेंस इंक्वायरी के लिए तो आप बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, इसका बैंक से लिंक होना जरूरी नहीं है। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और स्कैन पर क्लिक करेंगे, मशीन एक्टिवेट हो जाएगी, आपको कस्टमर की कोई भी एक फिंगर इस पर रखवानी है। आपके सामने कस्टमर का बैंक बैलेंस आ जाएगा, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, यही आप प्रिंट पर क्लिक करके इस स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मिनी स्टेटमेंट, इसके थ्रू आप किसी भी बैंक अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको कस्टमर का आधार कार्ड नंबर और कोई भी एक मोबाइल नंबर डालकर टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी, आप कस्टमर की कोई भी फिंगर इस पर रखवाएंगे। आपके सामने कस्टमर के बैंक अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा, जैसे कि आप
यहाँ देख सकते हैं, ये है मिनी स्टेटमेंट, और यहीं से आप कस्टमर के नंबर पर इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप स्पाइस मनी एप्लीकेशन में कस्टमर के आधार कार्ड के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं।